देखिए, जिस तरह से लगातार देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है, और हमारे देश की जो एक मूल भावना धर्मनिरपेक्षता है, संविधान की मूल भावना है, आज वो भी खतरे में नजर आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संघर्ष किया है, देश को आज़ादी की बात हो चाहे इसके लोकतंत्र को जिंदा रखने की, मजबूत करने की बात हो, उस पर हमेशा संघर्ष किया है। और आज भी हमारी डिमांड यही है कि संविधान जो आज खतरे में है, उसके बारे में क्यों आनन फानन में केंद्र की भाजपा सरकार देश में एक अशांति का, भय का वातावरण बनाना चाहती है। आज समय है कि हम आर्थिक मंदी से लड़ें, आज समय है कि हम महंगाई से लड़ें, आज समय है कि हम युवाओं को रोजगार देने के लिए संघर्ष करें, लेकिन देश को दूसरे इस तरह के कारणों में पहुंचा करके जिस तरह से भय और अशांति का वातावरण फैलाया गया है, उसके खिलाफ हम कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं करना, हम एक शांति मार्च निकालना चाहते हैं देश की एकता और अखंडता मजबूत हो, वहां पर एक दूसरे के प्रति जो लोगों में विश्वास है वो और ज्यादा मजबूत हो, एक दूसरे के प्रति जो हम धर्म के मामले में अगर देखें तो बहुत सम्मान है। हम जयपुर शहर में भी देखते हैं अगर, तो यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे के साथ हर त्योहार बहुत उत्साह से मनाते हैं, एक दूसरे के एक बहुत बड़ा जुड़ाव है, बहुत बड़ा लगाव है। तो इसीलिए आज यहाँ पर सभी धर्म सद्भाव, हर वर्ग के लोग, हर बुद्धिजीवी लोग, वकील, डॉक्टर, समाजसेवी संस्थाएं देश की एकता और अखंडता के संकल्प के साथ इस शांति मार्च में शामिल हो रही है। ज्योति खंडेलवाल जी हैं, उनका कहना